बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों में वीसी उत्तर प्रदेश के क्यों हैं? विश्वविद्यालय अधिनियम का अनुपालन नहीं होता है, चाहे वह सिंडिकेट की बैठक का प्रारूप हो या सीनेट की बैठक का प्रारूप हो, केवल और केवल औपचारिकता है। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अधिकारी वीसी प्रो वीसी रजिस्टर्ड जैसे लोगों पे कार्रवाई कब होगा? कि विश्वविद्यालय अधिनियम जो वर्तमान में कार्यरत है उसको निरस्त किया जाए और समस्त अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए नीरज कुमार फिर से विधान परिषद में, फिर से विधान परिषद में किस प्रकार से आवाज़ उठाएंगे ताकि शैक्षिक सत्र जो है वो समय पे कंप्लीट हो? भाई हम अगर विधायक हैं, हम कहें कि हमको खतरा है तो जनता तो हर जाएगी। तो शराबबंदी तो देश में लागू ही होना चाहिए। शराब पिला करके समाज का निर्माण हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय जनता दल को अपना संविधान फाड़ना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेंबर कोई नहीं बन सकता है अगर वो नशा का आदी है तो। नीरज कुमार बिहार के राजनीति में एक ऐसा नाम जिन्होंने 1991 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आज जो है ग्रेजुएशन के ही नेता बन बैठे, 2008 से लगातार स्नातक सीट से ये जीतते आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी भी हैं ऐसा कहा जाता है। आज इनसे हम लोग बिहार की राजनीति पे, राष्ट्रपति चुनाव पे जो द्रौपदी मुर्मू जी जीती हुई हैं उन पे और साथ में बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे बातचीत करेंगे कि आखिर जो है एक स्नातक के एमएलसी सीट से ये जीत के आते हैं और बिहार में वर्तमान समय में बच्चों का जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है वो 4 साल में नहीं कंप्लीट हो रहा है, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है वो 3 साल में नहीं कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल हम आपसे, जो शैक्षिक सत्र जो है वो विलंब हो रहा है जिससे जो है ग्रेजुएशन के बच्चे जो है सबसे ज्यादा, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है सबसे ज्यादा परेशान है, उस पर करने जा रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 80 के दशक से लेकर आज तक का मेरा अपना अनुभव है कि विश्वविद्यालय के शिक्षा का पूरे तौर पर कस्टोडियन राज्य सरकार नहीं है। राज्य सरकार केवल अनुदान देने का अधिकारी है और सक्षम अधिकार राज्य सरकार के पास यही है कि अगर गड़बड़ी मिलती है तो आप वित्तीय पावर उसका सीज कर लीजिए, उसका तो विश्वविद्यालय व्यवस्था और पैरालाइज कर जाएगा। तो जो यूनिवर्सिटी एक्ट है और इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम है कि ऑटोनॉमी के नाम पर भाई स्वायत्तता है, स्वायत्तता के नाम पर ये इस ढंग के कृत्य होते रहे लगातार। अब हालात क्या है इस बिहार के अंदर में, भाई बिहार या देश के विभिन्न राज्यों में यह स्थिति अभी है कि अद्यतन स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक दायित्व तो है उसका नियंत्रण करता हम है नहीं, राज्य सरकार नियंत्रण का उसका को भाजन हम बढ़ते हैं। यही केंद्र सरकार जो है दूसरे राज्यों का शैक्षिक सत्र जो है एकदम समय पे कंप्लीट करता है, यहाँ तक कि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे छोटे छोटे राज्यों का भी शैक्षिक सत्र जो है कंप्लीट होता है। 8 महीना से वीसी नहीं आए हैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, वो बीमार हैं, उनका बेटा जो है चुनाव लड़ा है यूपी में, 8 महीना से वीसी नहीं आए हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के घर पर 3 करोड़ रुपया पकड़ा गया, ये मतलब कि इस प्रकार से तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ना होगा। पेड़ से जैसे रुपया गिरता वैसे झरा रुपया गोरखपुर में, और किसने किया? हमारी सरकार की एजेंसी ने किया। हालात क्या हो गया, माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा कि भाई आप कह रहे हैं कि सैंक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों में वीसी उत्तर प्रदेश के क्यों हैं? अब ये तो करें में हम इसमें कहाँ जिम्मेवार है भाई। सर्च कमेटी हम बनाते हैं, राज्य सरकार नाम भेजती है, तो राज्य सरकार को तो केवल और केवल अनुशंसा का अधिकार है। अभी हमने मेडिकल शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब कुलाधिपति उसके हो गए, हम लोगों ने विधेयक पास किया। तो देखिए डॉक्टर एस एन सिन्हा जैसे जो PMCH के प्रिंसिपल थे उनका अपॉइंटमेंट हम लोगों ने किया है। तो राज्य सरकार को जो सक्षम अधिकार, और ऐसा नहीं है ये केवल ये बिहार का मसला है, दूसरे राज्यों में भी यह विमर्श की जरूरत है। लेकिन दूसरे राज्यों में सेशन समय पे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब मेघालय नागालैंड से तुलना नहीं किया जा सकता है। आप उत्तर प्रदेश से कर लीजिए, पंजाब से कर लीजिए, महाराष्ट्र से कर लीजिए, वहाँ पे समय पे सेशन कंप्लीट है। तो इसके लिए जब अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नहीं, जो भी कुलाधिपति उसकी नियुक्ति करते हैं,
तो उसकी नियुक्ति करते हैं तो नियंत्रण करता तो उनके पास वो है ना। इससे बच्चों के साथ समस्या क्या हो रहा है कि जब उनका कोर्स समय पे कंप्लीट नहीं होता है, बिहार से बाहर जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ की कंपनियाँ कहती है कि आपने तो अपना कंप्लीट कोर्स समय पे किया ही नहीं, जिस वजह से जॉब नहीं मिलता है, मजदूर बन जाते हैं बिहार के बच्चे। हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि लोग बच्चे जो बिहार के बच्चे रहते थे या देश के स्तर पर भी आप देखिएगा कि शिक्षा ऋण लेने के लिए दर दर भटकते थे लोग, और देश का पहला राज्य बिहार बना, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रहे हैं। इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं नीतीश कुमार जी कि उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया, और उससे हम लोग जब पढ़ रहे थे हम लोगों को भी बहुत फायदा हुआ था। नहीं, लेकिन परेशानी है ना कि 4 साल का वो 4 लाख रुपया मिला, उसको हम 1 सत्र के लिए पैसा दिया, और 5 साल अगर विलम्ब चलता है तो उसको तो उतनी ही राशि स्वीकृत हुई। अब उसकी परेशानी लॉज में रहना, उसके लिए खाना, लोग जाए तो जाए किसके पास जाए, विपक्ष के पास जा नहीं सकते हैं, और पक्ष में जदयू और भाजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो अपनी समस्याएं सुनाए तो सुनाए किससे सुनाए। आप तो एक ऐसे नेता हैं जो इस पे खुलकर बोलने के लिए तैयार हुए हैं, बहुत सारे नेता तो इस पे बोलने के लिए तैयार भी नहीं है, चाहे वो जदयू के हों या बीजेपी के हों। हम तो विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के मेंबर हैं राज्य सरकार की ओर से, मेरा अपना अनुभव है, विश्वविद्यालय अधिनियम का अनुपालन नहीं होता है, चाहे वह सिंडिकेट की बैठक का प्रारूप हो या सीनेट की बैठक का प्रारूप हो, केवल और केवल औपचारिकता है। भागलपुर यूनिवर्सिटी और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में वित्तीय अनियमितता का भरमार है, और दोनों के VC जो हैं एक ही व्यक्ति है, हनुमान प्रसाद पांडे जो उत्तर प्रदेश के हैं। आप JP यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पे 6 साल में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कम से कम एक बार तो आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना होगा। हम आपको अनुभव अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, जब मैं विधान परिषद सदस्य बना और मगध विश्वविद्यालय उस समय था, प्राचार्य की नियुक्ति हुई, सदन की कमेटी बनी मेरे प्रश्न के आलोक में, दिवंगत वासुदेव बाबू उसके चेयरमैन थे, वो जांच कमेटी बनी, जांच में पूरा आरोप तय हो गया, शिक्षा विभाग ने प्रेषित कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई तो राज्य सरकार क्या करे, राज्य सरकार के पास सीमित अधिकार है। इसलिए हम यह समझते हैं कि जो शैक्षणिक शिक्षक संगठन है, छात्र संगठन है, और साथ ही साथ राजनीतिक दल हैं, इस बात पर जरूर विमर्श होना चाहिए कि जब वित्तीय अनुदान दे राज्य सरकार देती है तो राज्य सरकार को ही उसका नियंत्रण करता होना चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटियों के छात्र नेता के साथ नीरज कुमार कब बैठेंगे? नहीं, हमको तो हम तो सदन से लेके रोड पर तक के हम इस आवाज को उठाते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय अधिनियम पर विचार किए जाने की जरूरत है। जब राज्य सरकार अनुदान दे रही है तो राज्य सरकार के नियंत्रण में विश्वविद्यालय रहना चाहिए, इसके बगैर कोई इलाज नहीं संभव है इसका। बिहार में लगातार सड़कें बन रही है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, नया नया नेशनल हाईवे बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हालांकि हो रहा है, लेकिन उसमें जगह जगह पे भ्रष्टाचार कहीं नहीं तो कहीं नीतीश कुमार जी के नाम पे धब्बा साबित हो जाता है। नीतीश कुमार जी, ये बात सत्य है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो वैसे वैसे लोगों पे आप लोग किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे, जैसे गंगा पथ में अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार एक रोग है और रोग इसके दुनिया के अंदर, इस पर विमर्श चला है। एक विमर्श यह रहा कि व्यक्तिगत संपत्ति के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो उस देश के दुनिया के अंदर में समाजवादी मुल्क बने, लेकिन लोकतांत्रिक आवाज़ नहीं रही तो वो ख़त्म हो गया। तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के पहले नेता हैं जिन्होंने यह घोषित किया कि जो भी मंत्रिपरिषद सदस्य हैं अथवा कार्यपालिका के शुरू से अंत तक के जो भी हैं, वो अपनी संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर करें। लेकिन हमारी यह समझ है कि यह तो एक कदम है, इससे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि भाई आमदनी का स्रोत क्या है। अब एक कड़वा सवाल आपसे, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार जी और उनके साथ कुछ नेता जो हैं वो बहुत ईमानदार हैं, और JP आंदोलन से उसके बाद से बहुत सारा संघर्ष करके बिहार के शीर्ष गद्दी तक पहुँचे, लेकिन इस समय बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो करप्शन हो गया है, छोटे से लेके बड़े अधिकारी जो है इसमें संलिप्त है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है राजीव नगर कॉलोनी है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लेके अवैध तरीके से लोगों का घर बनवा दिया और आज बुलडोजर चलाना पड़ा। देखिए, मैं यह कोई बिहार की समस्या नहीं है,
इस देश के अंदर में तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती होती है भाई। डायरेक्ट बेनिफिशियरी कैसे बना रहे हैं हम लोग, बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, गांव में आप रहते हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, खाता में पैसा दिया जाता है, लेकिन कितना होशियार है वो दलाल, जिसको मिलना रहता है उसके गरबा के बगल में जाके कहता है दिनमा में कि अच्छा इनको अभी इंदिरा आवास मिल जीते अभी, और बेचारा गरीब आदमी शाम में उसका पति कमा के आता है, पानी भी नहीं पीता, उसकी पत्नी बोलती है, और जाकर करके जो होता है व्यवस्थागत आधार है आप भी जानते हैं, सारी व्यवस्थाओं को आप जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम तो कहते हैं कि जिला का कलेक्टर जो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं, जो आईपीएस बनते हैं, उनसे होशियार है ये लोग। और यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी बता रहे हैं भाई, रोज ट्रैप हो रहा है। अब देखिए ना बीमारी कहाँ है, रोज मेरा तो घर बगल में है, सुबह 7 बजे निकलिएगा, देखिएगा आर्थिक अपराध की 3-4-5 गाड़ियाँ रोज निकलती है, और रोज देखते कि पकड़ा रहा है, पकड़ाने के बाद भी देखिए इन लोग की भाई, तो ये जो आप लूट का रुपया जो जमा लोग करते हैं, तो ये एक नए कफन, माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि कफन में पॉकेट नहीं होता है, लेकिन ये जो बेचैनी लोगों की है धन तंत्र के प्रति, और जब पैसे का प्रवाह होगा तो सरकार, भाई डीजीपी इस बिहार में गिरफ्तार हुए ना, संपत्ति जब्त हुई ना, तो सरकार जो कर सकती है सरकार लगातार करती है, पब्लिक डोमेन में मान लीजिए हमने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, तो आपको तो ये अधिकार है ना कि आप आर्थिक अपराध इकाई में जाइए और कहिए कि भाई ट्रांसफर और पोस्टिंग पे बवाल मचा हुआ है अभी। ये सब देखिए ये तो बेमतलब का बात है, ये रूटीन, मैं हम भी मंत्री रहे हैं, हमको जानकारी नहीं, कोई भी रहे हैं, ABCD से कोई मतलब हमको नहीं है भाई। हम अगर विधायक हैं, हम कहें कि हमको खतरा है, तो जनता तो हर जाएगी भाई। हम सक्षम अधिकार हैं, हम सेक्रेटरी के CR लिखते हैं, तो हमको हम कैसे कहेंगे कि हम लाचार हैं। अच्छा RCP सिंह से कितना खतरा है जदयू को? नहीं, पार्टी को खतरा, माननीय नीतीश कुमार जी इस पार्टी के नेता हैं, भ्रम के जाल में किसी को नहीं रहना चाहिए। और नीतीश कुमार जी आज जो लोग भी हैं, हम लोग हैं, एकनाथ शिंदे जैसा कुछ होने वाला तो नहीं है बिहार में? अरे ये सब कहाँ सवाल है, माननीय नीतीश कुमार जी देखिए, माननीय RCP सिंह हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन यह भ्रम किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी हैं तो आप राजनीति में इस जनता दलियों में जीवंत हैं। जिस दिन नीतीश कुमार जी की नज़रें फिर गई, फिर कहाँ मिलिएगा, किसको मिलिएगा? यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अधिकारी VC प्रो VC रजिस्टर्ड जैसे लोगों पे कार्रवाई कब होगा? हुआ नहीं कार्रवाई, अब तो हम तो गोरखपुर में सिर्फ एक कार्रवाई हुआ है मगध यूनिवर्सिटी के VC पे, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के VC पे, JP यूनिवर्सिटी के VC पे, जयप्रकाश ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के VC पे लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इसमें न्यायालय का सहयोग भी हमको मिल रहा है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं, आरोप लगाए, जैसे मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो कि बाहर से VC को 2-2 करोड़ रुपया में लाया जा रहा है बिहार में, इसकी कितनी सच्चाई है ये आप बताएंगे? अब इसके बारे में हमको कोई ये सब देखिए, जब तक मुझे साक्ष्य नहीं रहता है। साक्ष्य तो मिला था ना मगध यूनिवर्सिटी में? साक्ष्य तो मिला था, देखिए कार्रवाई हुई, अब कार्रवाई हुई तब उसमें पत्र गया कि विश्वविद्यालय। अच्छा नीरज कुमार कब एक पत्र लिखने वाले हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के VC जो है 8 महीना से नहीं? पूरी बात सुनिए, इन मगध विश्वविद्यालय में हमारी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई किया, कार्रवाई करने के बाद छुट्टी सैंक्शन कर दिया गया, छुट्टी देने का तो हमको राज्य सरकार को अधिकार है नहीं, छुट्टी सैंक्शन कर दिया गया कुलाधिपति कार्यालय से। उसके बाद यह कहा गया कि आप चूंकि कुलपति का पद है, आपने सैंक्शन नहीं लिया है, तो माननीय उच्च न्यायालय को मैं सैल्यूट करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, आपने करप्ट प्रैक्टिसेज में आप आए हैं, इसलिए आप पर कार्रवाई होगी, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ये जो लेकुना खोजते रहते हैं करप्ट लोग, भ्रष्ट, इसे नहीं होता है कि हम भ्रष्टाचारी हैं तो हमारा जात का आवरण हो जाए, धर्म का आवरण हो जाए, कुछ लेकुना देखते रहे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि विमर्श इस पर करने की जरूरत एकदम अति शीघ्र है। विधान परिषद में आप कब आवाज उठाएंगे इसके लिए? हम तो लगातार हम तो कहे कि हम तो जब हम जब MLC बने तभी हम मगध विश्वविद्यालय में हम प्राचार्य नियुक्ति का सवाल उठाए, लेकिन वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ गई, कुछ नहीं उपाय हुआ, हम लोग चिल्लाते रहते हैं, कुछ सुनाई कुछ अंतर नहीं पड़ता है इसमें। पिछले 5 साल में लगातार और सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों से पूछा गया है,
शराबबंदी, कितना सफल कितना असफल। नहीं, शराबबंदी से अपच किसको किसको हो रहा है? मैंने शराबबंदी बहुत सारे को तो मैं देखता हूँ, इस सवाल पूछने कहता है कि शराबबंदी फेल है ती पास कर। मैं पूछ रहा हूँ कितना सफल कितना असफल। सफल सफल तो यही है कि अपने अपने घर में जो 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 कहते हैं ना कि शराबबंदी असफल है, जरा अपने घर में जाके कह दें, अपने पत्नी से बच्चों से लिखवा करके दे दें कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया है जो गलत किया है। अरे भाई, इस नियम बनते हैं, ऐसे लोग रहते हैं समाज के अंदर में जो ऐसे कृत्य करते हैं, लेकिन आम लोग में देखिएगा समाज में सुख शांति। मैं तो कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कहता हूँ कि अपने अपने घर का रिपोर्ट आप दे दी। जो लोग शराबबंदी को असफल बोलते हैं तो संकल्प कह लिए थे सदन के अंदर में, गांधी मैदान में संकल्प क्यों लिया आपने? अगर बाल विवाह दहेज प्रथा गलत है, सती प्रथा गलत है, तो 2016 में रूपकंवर कांड कैसे हो गया? लिए शराबबंदी तो इस राज्य के अंदर में एक सामाजिक परिवर्तन का कैसे सफल होगा बिहार में, जब उत्तर प्रदेश में शराब चालू है, नेपाल में चालू है, बंगाल में चालू है, झारखंड में चालू है। बिहार एक गरीब राज्य है जिससे प्रत्यक्ष रूप से राजस्व का भी लॉस हो रहा है, तो कैसे सफल होगा? और जहरीला शराब से सबसे ज़्यादा बिहार में लोग मरते हैं पूरे देश में। राजनीतिक दल अपना संविधान फाड़ दे, कांग्रेस पार्टी को अपना संविधान फाड़ देना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल को अपना संविधान फाड़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेंबर कोई नहीं बन सकता है अगर वो नशा का आदि है। तो आप पार्टी चलाने के लिए कह रहे हैं नशा का आदि नहीं होना चाहिए, आज जनता को शराब पिलाइएगा और राज्य यानी पूरे देश में शराब बंद होना चाहिए। नहीं नहीं, और शराब और राजस्व की हानि का जहाँ तक सवाल है, कि जो पैसा बच रहा है उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? जिसके परिवार में शराब का बेजा इस्तेमाल पर पैसा बर्बाद हो रहा था, अगर उसके पैसे आज बचत हो रहे हैं तो अपने जीवन में बचत कर रहा है ना। पूरे देश में शराब बंद हो जाना चाहिए, जैसे गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है। हम तो ही कह रहे हैं गुजरात के अंदर में तो शराबबंदी लागू है, तो वर्धा में तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, वहाँ तो सब दिन लागू है। महाराष्ट्र में तो वहाँ नहीं अवैध शराब का पकड़ाया है, खेप वहाँ भी पकड़ाया है, तो ये चलता। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान आप कर रहे हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का सम्मान कर रहे हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को आप मानते हैं कि राजनेता थे, तो शराबबंदी तो देश में लागू ही होना चाहिए। शराब पिला करके समाज का निर्माण हो जाएगा क्या? अगर कोई ये फॉर्मूला समझावे हमको कि विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, इसमें क्या क्या फ़ायदा है, जो लोग यह बोलते हैं। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए नीरज कुमार फिर से विधान परिषद में, फिर से विधान परिषद में किस प्रकार से आवाज़ उठाएंगे ताकि शैक्षिक सत्र जो है वो समय पे कंप्लीट हो सके? मैं हर सत्र में इस सवाल को उठाता हूँ, चाहे डिबेट हो शिक्षा विभाग का, इस सारे सवालों पर महत्वपूर्ण दो चीज़ आपके इंटरव्यू का महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति खुद ईमानदार हो सकता है, समाज ईमानदार हो जाए यह फॉर्मूला नहीं है। लोक लज्जा की बुनियाद पर लोकतंत्र चलता है। महत्वपूर्ण चुनौती आज के तिथि में है कि लोकतंत्र को चुनौती है धन बल की से, धन बल से बड़ी चुनौती राजनीति को मिल रही है आगे आने वाले दिनों में। दूसरा, जो बच्चों के करियर का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि तमाम राजनीतिक दल बिहार के, जैसे आप जाति की गणना पर आप सहमत हुए, आप दूसरे सवालों पर शराबबंदी पर सहमत हुए, इस सवाल पर सहमति बनाइए कि विश्वविद्यालय अधिनियम जो वर्तमान में कार्यरत है उसको निरस्त किया जाए और समस्त अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। हम तो उम्मीद करते हैं कि देश के आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, और जिस ढंग से बिहार ने दिल खोल करके समर्थन उनको किया, तो बिहार पर उनकी नज़रें इनायत रहेगी। उम्मीद है कि वर्तमान राष्ट्रपति जी के ऊपर, नव निर्वाचित राष्ट्रपति जी बिहार के ऊपर जो है नज़रें अच्छे ढंग से रखेंगे और बिहार के विकास में जो है योगदान देंगे। बाकी नीरज कुमार जी की बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में आप किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी छात्र संगठन के नेता हो, जो यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पर कम्प्लीट नहीं हो रहा है, उसके लिए आप लोग एक बार एकमत होकर आवाज़ ज़रूर उठाना। जय हिंद।